हम रेजिडेंसी रोड में जहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मी को पूरी तरह से इनके कपड़े यानी फाड़े हुए, इनके साथ इन पर हमला किया गया। भैया जी, हुई क्या बात, पूरी बात क्या हुई थी बताइए सर, क्या हुआ था, कहां पे ये बात हुई, किसने मारा आपको? मैम क्या बताएं आप, बताओ जो हुआ सच बताओ ना, जो सच बताओ। पहले आप फुटेज निकालो, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा मैं क्या हुआ क्या, बताइए ना। हमारा भी रफ ड्राइविंग कर रहे थे, 15 से 20 लोग, 4-5 बाइकें थी विदाउट हेलमेट, 3-3 लोग एक हेलमेट बैठे थे, एक मारुति कार थी। जब मैंने सब लोग रुके, मैंने रोकने की कोशिश की, मैं भैया क्या कर रहे हो, दो बंदे कुदरती रुके जाम की वजह से चाबी निकाली तो बाकी आगे सब आगे इकट्ठे हो गए, मैंने हमला कर दिया। बोला आपके पास क्या प्रूफ है चाबी निकाल, मैंने बोला तेरे पास कौन सा प्रूफ है भाई, तू कहाँ से आया, ड्यूटी कर रहे थे डिप्टी पे, हमें थोड़ा हेलमेट वगैरह नहीं पहनी, कुछ नहीं था, और वो भी बाजार में उल्लड़बाजी कर रहे थे। मैम मेरी रिक्वेस्ट है आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए, बिल्कुल ये आम आदमी को खतरा है, आम आदमी को कितने लोगों को पकड़ा गया है, दो लोगों को जो युवक पकड़ा गया है उनमें से एक है युवक। मैम ऐसे मैं नहीं बता सकता, फुटेज में देख के बता दो, वो सामने नजर आ रहा है, हाथापाई की हाथापाई की वर्दी तोड़ी, ये ब्लॉक निकाला, ये जरा ये नहीं लगा आपको चाबी निकालने का, अब किस तरह की कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, वो तो बराबर है, वो सबको नजर आ रहा बराबर ही है, मेरे खुलने थोड़ा हो जाएगा। ये कपड़े वपड़े उन्होंने आके तोड़े, उन्होंने तोड़े, ब्लॉक निकाला चाबी छीने के चक्कर में 15-20 लोग। देखिए आप, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हमारे ट्रैफिक विभाग के ट्रैफिक कर्मी जो ट्रैफिक व्यवस्था को देखते और सड़कों पर धूप नहीं देखते, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, और कहीं ना कहीं आज इन पर हमला हुआ है, यानी इन पर नहीं हर एक नागरिक पर हमला हुआ है, और इनका कहना है कि कुछ मोटर बाइक आए थे और वहाँ हुल्लड़बाजी कर रहे थे बिना हेलमेट के, और उन्हें रोकने का जब प्रयास किया वो इन पर हमला बोल दिया। देखिए इन्हें हाथ को लगी भी है, ब्लीडिंग भी हो रही है, और इनके कपड़े भी फाड़े गए हैं। हम ये नहीं करते हर जगह पुलिस ही सही होती और हर जगह आम जनता ही गलत होती है, ये भी नहीं कहेगी हर जगह पुलिस गलत होगी और आम जनता सही होगी, जहाँ जो गलत है वो गलत है। एक वर्दी ऑन ड्यूटी, एक ट्रैफिक कर्मी पर हाथ उठाना, इस तरह से अभद्र व्यवहार करना बिल्कुल गलत है और गैर कानूनी भी है, यानी ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए धूप में, दिन रात बारिश में हर समय खड़े होते हैं, और इस तरह से उन पर हमला हो ये वाकई निंदनीय है। हम आला अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और फिलहाल ये बताना चाहेंगे आपको कि फिलहाल सीसीटीवी एक युवक को भी पकड़ा गया, ये भी बताना चाहेंगे आपको। ये बड़ी निंदनीय है कि एक ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस और एक ट्रैफिक, और ये ले जाते हुए ये हैं युवक जिन्होंने इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हाथ उठाया है, जो वाकई निंदनीय है, और ये गलत है कि ये ट्रैफिक विभाग ट्रैफिक कर्मी जो है ये हम लोगों की ट्रैफिक व्यवस्था को सही करते, ताकि आप लोग स्मूथली कहीं भी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। पर ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ हुल्लड़बाजी करते हुए युवक, हम हर एक की बात नहीं करते हैं, पर कुछ हुल्लड़बाजी करते हुए युवक जो मोटर बाइक्स पर आते हैं बिना हेलमेट के, और जब ये इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों बिना हेलमेट के, कितने मोटरसाइकिल से जिन पर बिना हेलमेट के युवक बैठे हुए थे, जब रोकने की कोशिश करते हैं तो इस ट्रैफिक कर्मी पर ये युवक जो है हमला कर देते हैं, उनके देखिए बटन भी फाड़े गए हैं, और उनके जो कि इनकी उंगलियों पर खून के निशान भी है। हम ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों से, पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं, गलत चाहे कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर शिकंजा, कड़ा शिकंजा कसना चाहिए, और सबसे बड़ी बात सीसीटीवी फुटेज को निकाल कर जो भी इसमें दोषी हैं उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो हम लोग जब अपने यानी घरों में होते हैं, हम सड़कों पर उतरते हैं तो ये ट्रैफिक व्यवस्था को सही करते हैं, ताकि हम स्मूथली अपनी मंजिल तक, अपने काम कर तक पहुंच सके, और कहीं ना कहीं जब गलत कोई करता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या पुलिस कर्मी हो, हम वो भी दिखाते हैं, पर जहां पर युवा या आम जनता गलत होती है हम वो भी दिखाते हैं, हमारा काम है सच को दिखाना, पर ये गलत है एक ऑन ड्यूटी ट्रैफिक कर्मी पर हाथ उठाना, वो भी एक इंसान है,
उनकी भी कोई गरिमा है, उनकी भी इज्जत है। और अगर आज के दौर में ये माहौल ये बन गया कि आप वर्दी वालों पर धर्म से धड़लने से हाथ उठाएंगे, तो साफ तौर पर कि ना ने कानून का डर है ना ही किसी और चीज का डर है। तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। हम निवेदन करते हैं आला अधिकारियों पर सीसीटीवी फुटेज निकालिए, और जो जो भी लोग जो जो युवक भी इसमें मुलविस है उनकी गाड़ियों को सीज किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करना तो दूर सोचे बिना। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।